है वो निकालना पड़ता है, ठीक है। तो रेंज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहो तो कुछ इस टाइप का होगा, 1 2 3 ए बी सी, ठीक है, मतलब एक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरे के ऊपर, ये है, ये आपका ऑन टू फंक्शन है। लेकिन अगर यही मैंने बोला ऐसे हो गया 1 2 3 4 ए बी सी, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? नहीं। क्यों? पहले क्या ये फंक्शन है? तो यस फंक्शन है। क्यों भाई? कि हर एक डोमेन के वैल्यू के लिए आपको एक ना एक वाई मिल रहा है। अब किसी ने पूछा क्या ये ऑन टू फंक्शन है, तो ऑब्वियसली नहीं। क्यों भाई? वो डोमेन में आपका एक वैल्यू छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज ऑन टू। तो आपको समझ में आ गया होगा। एनी डाउट्स? अब हमेशा याद रखो, अपने आप जो है ना कोड डोमेन को डिफाइन नहीं करोगे, ठीक है। कोड डोमेन हमेशा गिवन रहता है, अदरवाइज जो क्वेश्चन इसे मीनिंगलेस हो जाता है। कोड डोमेन इज गिवन ऑलवेज। अब चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, पहला फंक्शन दे रखा है एफ बिलोंग्स टू आर टू आर, ठीक है। और फंक्शन दे रखा है आपको 2x+1, आपको बताना है ऑन टू है कि नहीं है। खुद नोटबुक में लिख लो, पूछूंगा तो बताना। तो इसके बारे में थोड़ा आप कमेंट करें। तो ये जितने भी दे रखे हैं सारे क्या दे रखे हैं बच्चे? कोडोमेन दे रखा है। तो आपको करना क्या है, आपको फंक्शन का रेंज निकालना है। अगर रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल आ गया, फंक्शन ऑन टू एंड ऑन टू होगा। अगर नहीं आ रहा है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। अब एक साथ कमेंट करो जिसका जिसका आ गया।
आ गया तो कमेंट कर दो। यस आ गया। अच्छा स्नेहा तो आप कमेंट करो बच्चे, कौन कौन सा है इसमें, कौन कौन सा अंटू है। अरे क्या हो गया, कैसे बच्चे हैं। अब देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट है फर्स्ट सेकंड है। अब रुक जाओ आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपको पता है कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप का होगा, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इसका रेंज जाएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक रेंज जाएगा। डोमेन क्या है, आर है, तो आर होगा इधर से इधर तक, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो जो रेंज है वो भी क्या है, आपका रेंज क्या है इसका, आर है। डोमेन भी सॉरी रेंज इसका क्या है, आर है। कोडोमेन भी क्या है, आर है। इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखो, बॉक्स एक्स जो है, बॉक्स एक्स तो आपको पता है कि हमेशा ही इंटीजर वैल्यूज देगा। तो अगर रियल नंबर, आपका टोटल रियल नंबर जितने भी रियल नंबर है सारे के सारे डोमेन में है, तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे सारे के सारे इंटीजर भी आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, फॉर डोमेन आर जितने भी इंटीजर्स हैं ये जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो दे देगा। तो जितने भी इंटीजर है वो और ये इंटीजर दोनों क्या होगा, इक्वल हो गए। तो इक्वल हो गए तो इसका भी क्या होगा, ऑन टू फंक्शन है ये। आगे देखो, आर ग्रेटर देन आर प्लस, अब आपको इसका रेंज निकालना है। अब इसका रेंज निकालना है तो सबसे पहली बात आपको पता है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। अरे इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है, जीरो को टेंड करेगा कहाँ पे, एक्स जब माइनस इंफिनिटी को जाएगा तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, जीरो को जाएगा। याद करो वाई इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स का ग्राफ मैंने अच्छे से करा रखा है ये। ठीक है इसका मतलब क्या है कि इसका जो रेंज आएगा मैक्सिमम जीरो को अप्रोच कर सकता है, सॉरी मिनिमम जीरो को अप्रोच कर सकता है बट मैक्सिमम इंफिनिटी को जाएगा। तो इसका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, रेंज जीरो टू इंफिनिटी, और ये जीरो टू इंफिनिटी बोलो या इसको बोल दो आर प्लस, बात सेम है। इसका मतलब क्या है, आर प्लस इसका रेंज है, कोडोमेन भी क्या है, आर प्लस है। तो ये क्या आ गया, ये भी आपका, इसकी बात करो अब एल एन एक्स है, एल एन एक्स का रेंज क्या होता है बच्चे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। बट आपको फिर चेक करना पड़ेगा कहीं डोमेन में तो गड़बड़ नहीं कर रखा है, तो डोमेन बिल्कुल सही दे रखा है, बोला है पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब उसका भी जो रेंज आता है और ये जो रेंज है दोनों के क्या है, को डोमेन एंड उसका रेंज दोनों बराबर है। तो ये भी क्या हो गया आपका, ऑन टू फंक्शन हो गया। इसके ऊपर आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, आपको पता है कि जो फॉर ऑल रियल नंबर ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू जीरो से लेके वन तक आती है। मतलब क्या है, इसका जो रेंज आता है आपके पास, रेंज क्या आता है, जीरो क्लोज से वन के बीच में आता है। इन्होंने बोला क्या है, जीरो से लेके वो वन क्लोज तक बोला है। यहाँ पे रेंज आता क्या है, जीरो से लेके वन ओपन तक आता है। तो रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता, ये ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता। चलो आई होप क्लियर होगा, नोट कर लो। डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। वापिस
आपको बोलना पड़ेगा सर फिफ्थ वापिस। ओके देखो फिफ्थ वाले में इश्यू क्या है बच्चे, इसका जो रेंज दे रखा है जीरो क्लोज से लेके वन क्लोज तक दे रखा है, बट इसका रेंज होता क्या है सर, ये कोडो में दे रखा है जीरो क्लोज से वन क्लोज के बीच में, बट आपको पता है इसका जो रेंज होता है ना जीरो क्लोज से लेके वन ओपन तक होता है, वन ओपन है मतलब रेंज में वन इंक्लूडेड नहीं है, बट जो आपका कोड डोमेन है इसमें वन इंक्लूडेड है, तो ये जो हो गया ना रेंज और कोड डोमेन दोनों इक्वल नहीं है, जबकि रेंज जो है कोड डोमेन का सबसेट है, इसी वजह से ये क्या होगा इट कैन नॉट बी ऑन टू फंक्शन, रेंज एंड कोड डोमेन दोनों इक्वल होना चाहिए, इफ दे आर इक्वल देन ओनली वी कैन से दैट इज सब्जेक्टिव फंक्शन है एंड ऑन टू फंक्शन है, बट इसमें क्या है सबसेट आ रहा है कोड डोमेन जो है एक एलिमेंट ज्यादा है। आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट्स लिख लो, नोट काम का है लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नोट बना के लिखोगे, पहला पॉइंट नोट में लिखो बच्चे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऐसा लिख दो पॉलिनोमियल चलो ठीक है यही है डिग्री ऑड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर इज ऑलवेज ऑन टू, सोचना नहीं है कोई भी और डिग्री पॉलिनोमियल दोगे, और डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, पहला तो आपका लीनियर इक्वेशन आ गया, लीनियर इक्वेशन भी और डिग्री पॉलिनोमियल आएगा बिकॉज डिग्री वन होता है, दूसरा आएगा आपके पास क्यूबिक, तीसरा आएगा फिफ्थ पावर, ये सारे का रेंज क्या होता है जितने भी और डिग्री पॉलिनोमियल आते हैं उसका रेंज होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में, तो इसका मतलब क्या है बच्चे रेंज जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में आता है, और आपने डिफाइन कर रखा है डिफाइन में ये कोडोमेन क्या है कोडोमेन इज जस्ट इक्वल टू ऑल रियल नंबर, ठीक है, और इसका रेंज भी क्या आ रहा है ऑल रियल नंबर दोनों इक्वल है, ये इसीलिए हमेशा ही अनटू होगा, हमेशा ही अनटू होने वाला है, इसमें बिल्कुल सोचना नहीं है। सेकंड पॉइंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इवन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर फ्रॉम टू आर टू आर कैन Never be on to, ये कभी भी on to नहीं होगा, तो इसलिए नहीं होगा ना कि उसका ग्राफ कुछ ऊपर ही आ जाता है, जैसे क्वाड्रेटिक का एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो क्वाड्रेटिक,
ठीक है, क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक का बच्चे अगर आर डिफाइन टू आर करोगे तो आपको पता है कि ये आता है राइट, या तो ये ग्राफ आएगा या तो ये ग्राफ आएगा। अब आपको पता है इसका भी रेंज पता है कि माइनस डी बाई फोर ए से प्लस इंफिनिटी, इसका भी रेंज पता है आपको माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए। दोनों ही केस में आपका क्या आने वाला है, दोनों ही केस में क्या आ जाएगा, रियल नंबर का सबसे आ जाएगा रेंज। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दे रखा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ऑन टू नहीं है फ्रॉम आर टू आर। तो ये स्टेटमेंट भी याद रखोगे। Done, not done. Done हो गया तो बोलो। Done. अब देखो आपने पढ़ लिया ऑन टू फंक्शन सब्जेक्टिव के बारे में, अगर ऑन टू नहीं है तो कुछ तो होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा। ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, इनटू होगा। ऑन टू से जो बच गया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। ठीक है, इनटू का मतलब क्या है, नॉट ऑन टू, इसका ये भी मतलब होता है नॉट ऑन टू। आपको समझ में अगर आया होगा ना ये नॉट ऑन टू, तो समझ में ये भी आना चाहिए। पिछला जो हमने कराया था पॉलिनोमियल की इवन डिग्री वाली, तो पॉलिनोमियल की डिग्री जब इवन हो जाएगी तो वो क्या आने वाला है, इनटू फंक्शन आने वाला है। ऑन टू नहीं है तो क्या आएगा, इनटू आएगा। तो इसका भी क्या है डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। इफ एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इफ ए इफ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट There exist at least B belongs to capital B codomain which is not in the which is not in the रेंज ऑफ द फंक्शन, नॉट इन द रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, देन इट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ठीक है, तो आपका इसका मतलब क्या है कि जो कोडोमेन होगा कम से कम एक वैल्यू उसमें हमेशा ही ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, अब इस पे ये जैसे वेन डायग्राम आप बना लो, 1 2 3 ए बी सी, ये आ जाएगा आपके पास।
ठीक है, ये क्या है, इनटू फंक्शन है, इसका एग्जांपल एक और जो मैंने पिछले बार लिखा था, फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू जीरो टू वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये भी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये भी इनटू फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि जो रेंज जो कोड हो मैंने उसकी वैल्यू एक ज्यादा है एज कंपेयर टू रेंज ऑफ द फंक्शन। डन, किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है क्या? अच्छी बात है, डाउट नहीं आ रही है तो चलो, एक एग्जांपल तो ये आ गया, दूसरा एग्जांपल लिख लो, आर टेंडिंग टू आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो भी ऐसी बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रेंज जो आता है, रेंज में क्या आता है बच्चे, रेंज में क्या आता है, सारे के सारे इंटीजर्स आते हैं, बट यहाँ पे कोड में क्या दे रखा है, ऑल रियल नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा इनटू, ये भी क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही पूछा जाए आपसे, आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स, तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, बिकॉज सिग्नम ऑफ एक्स में सिर्फ तीन वैल्यू आती है, जीरो माइनस वन प्लस वन, और यहाँ पर कोडोमेन के बारे में क्या बोला है, इन्होंने बोला है ऑल रियल नंबर, तो ये सिंपल सा हो गया यहाँ पे, ये भी क्या हो गया ऑन टू हो गया। चलो लिखो इसको, डन एवरीवन डन, इसमें क्या हो जाएगा इवन, इसमें ये भी लिख लेना इवन डिग्री पॉलिनोमियल भी आ जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा इवन डिग्री पॉलिनोमियल भी आ जाएगा, मतलब जो भी ऑन टू नहीं है वो क्या है इनटू है एंड वाइस वर्सा। ठीक है डन, चलो बहुत अच्छी बात है, अब इसमें क्या है एक और पॉइंट, एक और आपका है कि एक डायग्राम, वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो देखो आपने क्या 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 पढ़ा, ध्यान से सुनो, पढ़ा वन वन फंक्शन, पढ़ा मेनी वन फंक्शन, पढ़ा इनटू फंक्शन, पढ़ा ऑन टू फंक्शन, पढ़ा इनटू फंक्शन को अपन
इनटू फंक्शन भी बोलते हैं, बट ऑनटू फंक्शन को सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अक्सर लोग क्या करते हैं, इनटू फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, वन वन इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं। उसके बाद में आपने क्या देखा, इनटू फंक्शन, उसके बाद आपने क्या देखा, ऑन टू फंक्शन देखा, ऑन टू और सब्जेक्टिव। अब ये देखो, अब क्या है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के टोटल चार टाइप के फॉर्म हो सकते हैं। मतलब क्या है, चार टाइप के फॉर्म हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है बच्चे कि पहला पॉइंट ये हो जाए कि आपका फंक्शन जो है वन 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 वन, ठीक है, वन वन इंजेक्टिव, वन वन इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव हो। बहुत सिंपल सी बात है, वन वन इंजेक्टिव फंक्शन हो। वन वन इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है बच्चे, आपके पास ये एक है, ये एक है, सब्जेक्टिव बोल दिया, इसका मतलब डोमेन, इसमें को डोमेन में एक भी वैल्यू छूटना नहीं चाहिए। वन वन बोल दिया तो डोमेन इसमें भी एक भी वैल्यू छूटना नहीं चाहिए। सिंपल सा मतलब है कि इसके जितने भी वैल्यू है सबका इसमें यूनिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मतलब क्या है, वन टू थ्री है, ए बी सी है ना, तो इस टाइप का होगा वो ना, इसमें वैल्यू छूटेगा, इसमें छूट गया तो कोई मतलब ही नहीं है, वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, बट इसमें कोई भी वैल्यू छूटना नहीं चाहिए। ये वन वन इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का आपके पास आ गया। सेकेंड देखो, वन वन इंटू एग्जेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव, दूसरा क्या होगा, वन वन इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। अब नॉट सब्जेक्टिव का मतलब सिंपल सा हो गया बच्चे, जो रेंज आएगा ना वो कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट आएगा। सब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू में रेंज और कोडोमेन दोनों सेम होते हैं, बट सब्जेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब ये है कि कुछ जो वैल्यूज हैं वो रेंज में छूट जाएंगी। वन वन बोला है तो वन वन पहले तो बनाओ ऐसे, ए बी सी डी, वन टू थ्री, क्या बोला है तो इसके साथ इसका रिलेशन, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसमें क्या हो गया, डी छूट गया ना, डी छूट गया तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव तो नहीं है बट इंजेक्टिव है क्या, यस ऑब्वियसली। अपने को हर एक डोमेन पे एक ही वाई चाहिए, मतलब क्या है, अलग अलग डोमेन की वैल्यू डालोगे तो अलग अलग वाई जाना चाहिए। तो आ रहा है, अगर आ रहा है तो इसका मतलब वन वन हो गया, इंजेक्टिव हो गया। बट अगर बोला है कि सब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव, तो नॉट सब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया, जो रेंज है वो को डोमेन पे इक्वल नहीं होना चाहिए, तो नहीं है ना, रेंज में एबीसी आएगा और को डोमेन में एबीसीडी सारे आ रहे, तो बराबर कैसे हो गया ये। नोटेड, डायग्राम ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है तो इसका ध्यान रखें। इसको आप अगर ऐसे भी बना सकते हो, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, एक बेचारा बच गया, अकेला रह गया ये। क्या एक अकेला रह गया ये, लाभ करो बच्चे, दो और बचा है अभी।
टोटल चार कॉम्बिनेशन बनेगा, इसमें हमने दो तो देख लिया, बाकी बचा दो, और बाकी बचा दो में थर्ड लिखो आप। थर्ड क्या होगा, मेनी वन, क्या होगा मेनी वन ऑन टू होगा, क्या होगा बच्चे, फंक्शन मेनी वन हो बट क्या हो ऑन टू हो, या क्या हो, या आपको पता होना चाहिए सब्जेक्टिव हो बट नॉट इंजेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव का मतलब क्या है, वन वन नहीं है, तो वन वन नहीं होगा तो क्या होगा, मेनी वन होगा। सब्जेक्टिव किसका नाम है, ऑन टू का ही दूसरा नाम है, तो ये आ गया मेनी वन एंड बट नॉट सब्जेक्टिव। तो आप इसका सिंपल सा ध्यान दो, क्या होगा, एक गोला, दो गोला, तीसरा गोला, इधर क्या है आपके पास दो ही गोले हैं, ऑन टू गोला है, तो इसका मतलब क्या है, रेंज में कोई भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए, तो रेंज में सारे वैल्यू आएंगी। चलो मैंने ये ले लिया एक दो तीन, क्या ऑन टू है, तो यस, बिकॉज जिसका जितने भी वैल्यू जा रही है इसमें कोई भी कोडोमेन में वैल्यू छूट नहीं रहा है, ठीक है। अब यहां से देखो तो क्या मेनी वन है, ओबियस सी बात है, आपका दो एक्स पे सेम वाई आ रहा है तो मेनी वन होगा ही, नो डाउट इसमें मेनी वन होगा ही। फोर्थ केस आपके पास आएगा मेनी वन मेनी वन इन टू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना तो ये क्या होगा बच्चे, सब्जेक्टिव होगा और ना ही इंजेक्टिव होगा, तो क्या होगा, नाइदर सब्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव। तो आपने सोचा अच्छा ठीक है, सब्जेक्टिव मतलब नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है इसका मतलब क्या है, को डोमेन में कोई ना कोई वैल्यू छूटेगा। फिर आपने पढ़ा इंजेक्टिव तो आपको याद आया अच्छा डोमेन के जितने भी एक जितने भी वैल्यू है सबके लिए हमें अलग अलग वाई मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोला है मेनी वन, मेनी वन का मतलब क्या है, अलग अलग आपका एक्स के लिए सेम वाई आना चाहिए, कम से कम एक बार तो आना चाहिए, वन टू थ्री। देखो अब रेंज क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन के इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनडाउटली ये क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया, और इधर क्या बोला है, ये मेनी वन तो हो गया, तो आ गया ना मेनी वन इनटू फंक्शन आ गया। यस सर, ओके जी, चलिए ये हो गया, तो और आगे चलते हैं। ये नाम में कंफ्यूज मत होना, इतना डिटेल में करा रहा हूं कि नाम में कंफ्यूजन नहीं होना, अदरवाइज कंफ्यूजन कहां होता है, लोग ये तो याद रह जाता है कि जो ऑन टू होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, बट बहुत लोगों को ये याद नहीं रहता है इंजेक्टिव का रिलेशन वन वन के साथ है, इंजेक्टिव का क्या रिलेशन इनटू के साथ नहीं है, तो ये ध्यान रखना, वही एक कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है। ठीक है।
इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, नोट बना के लिख लो यार, नोट बना के लिख लो, इफ फंक्शन एफ, फंक्शन एफ इज, इफ फंक्शन एफ इज बोथ इंजेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, एंड सब्जेक्टिव, ओके सब्जेक्टिव, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव ये जेक्टिव वो जेक्टिव उठा के टू जेक्टिव कर दिया, बाइजेक्टिव मैपिंग, इंजेक्टिव का मतलब क्या है, अगर वन वन है, सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, ऑन टू है, तो वन वन ऑन टू जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, बाइजेक्टिव मैपिंग होगा या बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ओके आगे लिखो, द बाइजेक्टिव फंक्शन, द बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम defined from a to a is n raised to power n, n raised to power n, ठीक है, the bijective function, आगे आके लिखो, if a function, bijective function, the bijective function, एक मिनट यार, एक मिनट, यहाँ तक सही है, mapping the bijective function, शायद statement यहाँ के बाद में रुक जाओ, बिल्कुल सही है, bijective mapping तक सही है, इसके बाद में count बाद में करेंगे, पहले इसको आगे और लिखने दो, इसमें लिखो, the bijective function are also named as, द बाइजेक्टिव फंक्शन आर, इस स्टेटमेंट का यूज आगे करेंगे, द बाइजेक्टिव फंक्शन, द बाइजेक्टिव फंक्शन आर ऑल्सो नेम्ड एज इन्वर्टिबल फंक्शन, named as invertible non-singular or non-singular or invertible अपने काम का है, बाकी तो ऐसे ही है, और uniform function, ये नाम है uniform functions, देखो आपका मेन इसमें याद क्या रखना है, इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन ये क्या होता है, जितने भी अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है, इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, उस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना पॉसिबल है, क्या है, उस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना पॉसिबल है, अब ध्यान से सुनो, आगे इसका यूज होगा कि अगर कभी क्या करते हैं ना, बोलते हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, आगे आएगा, तो अगर इनवर्स निकालना है उसको पहले आपको क्या है, ये चेक करना पड़ेगा कि आप फंक्शन बाइजेक्टिव है क्या, तो बाइजेक्टिव चेक करने के लिए क्या करोगे, ऑन टू होना चाहिए, एन क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, इतना कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तब जाके आगे आप सोच सकते हो इनवर्स या इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में बात करने के लिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लो, लिख क्या लो, अब चलो आपको समझ आ गया होगा, अब इसमें चलो कुछ और लिख लेते हैं,
काम की चीजें लिख लेते हैं। वो ब्लोनी फॉर्म वगैरह तो ऐसे ही नाम है, मेन अपना इन्वर्टिबल से है, मतलब है। ठीक है, और इसी में एक और पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, वो फर्स्ट पॉइंट था जहां पे हमने बाइजेक्टिव का डेफिनेशन लिखा था। इफ अ सेट कंटेन इफ अ सेट कंटेन एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इफ अ सेट कंटेन एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है, देन द नंबर ऑफ देन द नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम defined from a to b defined from a to a sorry a to a defined from a to a is n raised to power n, अभी बता दूंगा ये कैसे आता है, n raised to power n and out of it n factorial r 1 1 functions, ये मेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से इसको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। n factorial क्या होता है, 1 1 से फंक्शन होता है, एंड रेस्ट r मेनी 1 functions। अब बहुत बच्चों को आएगा सर ये क्या बता दिया आपने, इतना अच्छा जीवन चल रहा था हमारा। तो देखो आप मान लो इसमें है 1 2 3 है, ठीक है बच्चे, और इसमें है आपके, इसमें भी तीन वैल्यू लिया मैंने 1 2 3, मैंने बोला कि कितने फंक्शन पॉसिबल है, राइट, मैंने क्या बोला कितने फंक्शन पॉसिबल है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि देखो अगर मैंने इसको एक को उठाया, ये एक को उठाया तो कितने, इस एक को इस वन को ज्वाइन करने के कितने तरीके हैं, 1 2 एंड 3, 3 आ गया, एक के पास तीन चॉइस है, इसीलिए दो के पास भी कितने चॉइस है, दो के पास भी 1 2 3 3 चॉइस है इनटू। अब बोलोगे सर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्यों करोगे, एडिशन क्यों नहीं करोगे, आपने पढ़ा होगा ना, ये पढ़ा होगा एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, तो अभी पहले लिखता हूं उसके बाद बताऊंगा। तो 2 के पास भी 3 चॉइस है, 3 के पास भी कितना चॉइस है, 3 चॉइस है, ठीक है। अगर ये अब देखो तीनों के तीनों क्या है ना, 3 3 3, मतलब 1 के लिए भी 3 चॉइस है, 2 के लिए भी 3 चॉइस है, 3 के लिए भी 3 चॉइस है। ये तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, तीनों को ऐड नहीं करेंगे, क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है ये फंक्शन तभी हो सकता है जब 1 2 3 किसी ना किसी एक से कैसे भी रिलेटेड हो। 1 2 3 क्या है, इसके किसी ना किसी नंबर से रिलेटेड होना चाहिए और साइमल्टेनियस होना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज फंक्शन डिफाइन होने के लिए डोमेन में हर एक एक्स के लिए कोई ना कोई आपका वाई मिलना चाहिए, डोमेन के हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई आपका वाई मिलना चाहिए। इसका मतलब जो हमने लिखा है ये साइमल्टेनियस होना चाहिए, एक टाइम में ये किसी ना किसी से ज्वाइन होना चाहिए, तो तीन चॉइस है, वैसे ये भी किसी से ज्वाइन होना चाहिए, ये भी किसी से ज्वाइन होना चाहिए, तो क्या आएगा 3 × 3 × 3 आ गया 27। क्लियर है सबको, नहीं है फटाफट बोलो, अगर पीएनसी वीक होगा ना तो इसको याद कर सकते हो फिर। बट ये तो सबसे सिंपलेस्ट बताया यार, ये आना चाहिए आपको, क्लियर है नहीं है कुछ तो बोलो।
What happened? Thumbs up. चलो एक को समझ आ गया. अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन आएगा सर. ये तो सही है. ये वन वन वाला जो फंक्शन है ना, जनरल डेफिनेशन था. ये फंक्शन का जनरल डेफिनेशन हुआ. अरे फंक्शन का जनरल डेफिनेशन हुआ बंधु, नंबर ऑफ फंक्शन कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, वो हो गया. नंबर ऑफ फंक्शन कितने आ सकते हैं वो निकाल रहे अपन. आगे देखो, वन वन की बात करूंगी. वन टू थ्री आ गया, ठीक है बच्चे, वन टू थ्री आ गया, राइट. अब ध्यान से देखो, इसमें क्या है, आपका आंसर क्या आया था इसमें, आपको ये समझ में आना चाहिए. अगर इसको इसके साथ रिलेट किया मैंने, इसके पास कितने चॉइस है, इसके पास कितने चॉइस है, तीन चॉइस है. वन के पास तीन चॉइस है, वन के पास तीन चॉइस है. और वन आपने मान लो, वन और वन दोनों में, दोनों क्या हो गया, दोनों को प्यार हो गया, दोनों भाग जाएंगे. अब क्या होगा, एक टू के पास ना, टू के पास दो चॉइस बचेगा, या तो इनके साथ जाए या तो इनके साथ जाए. तो टू भी मान लो थ्री के साथ में निकल लिया, ठीक है. अब बचा क्या, तीन बचा. तीन के पास क्या चॉइस है, तीन के पास एक ही चॉइस है, दो और कोई चॉइस नहीं है, बाकी सब तो निकल लिए इन टू वन. तो ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है आपका, थ्री फैक्टोरियल है. तो सेम लॉजिक से अगर एन लोगे तो एन फैक्टोरियल आ जाएगा. एक को किसी के साथ साथ ज्वाइन कर दिया ना, तो बाकी नेक्स्ट के पास एन माइनस वन बचेगा चॉइसेस. फिर एक और को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो बाकी एन माइनस टू एंड सो ऑन बचता रहेगा, क्योंकि आपको एक फंक्शन, एक एलिमेंट को एक के साथ ही रिलेट करना है. आप ऑलरेडी बोल चुके हो कि अपन ऑन टू फंक्शन की बात, सॉरी वन वन फंक्शन की बात कर रहे हैं. जब वन वन फंक्शन की बात करोगे तो एक का रिलेशन एक के साथ होना चाहिए. दिस इज वाई थ्री फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाएगा. चलो इसको लिखो. ये याद रखोगे, मेंस वालों को कोई भरोसा नहीं है. हो गया, अरे कुछ तो बोलो. बहुत स्लो हो गए हो, क्या हो गया, कोई दिक्कत है? ऐसे साइलेंट रहने का ना दो ही कंक्लूजन होता है, या तो खूब समझ में आ रहा है या तो बस मजे आ रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है. अब कौन सा है पता नहीं. मेरा एक बताया था ना, एक स्टूडेंट का जिसका 99.86 के आसपास परसेंटाइल आया था, कल फोन किया था वो. तो मैंने बोला और संयम, संयम नाम है उसका, कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? तो बोल रहा है सर दो महीने का मतलब एक्सटेंशन मिला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार और अच्छा रैंक लाता हूँ, और उसी हिसाब से पूरा जेई एडवांस का मेहनत हो रहा है. मैंने बोला अच्छा है, अगर 2 से 3 हज़ार आ रहा था तो अंडर 1000 लाओ अब, के बाद में गोवा में पार्टी करेंगे. बोला हाँ कोशिश तो है. तो ये देखो, अभी कोई नहीं है उसको समझाने वाला, घर पे बैठ के खुद से मेहनत कर रहा है वो बंदा, जिसका ये तो श्योर है कि उसका आईआईटी होने वाला है. आईआईटी होने वाला है, रैंक की मारा मारी है. जब वो मेहनत कर रहा है तो आप खुद सोचना चाहिए, 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी कोई लगातार मेहनत कर रहा है. वो बंदा ऐसे 9th पढ़ रहा था, हमारे पास ही पढ़ रहा था 9th. थर्ड पॉइंट लिखो इसी में, थर्ड पॉइंट नोट में, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर
इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइन किया पॉलिनोमियल फंक्शन आर से आर के बीच में, तो ए ए पॉइंट लिखो, पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ इवन डिग्री, ये है जुगाड़ की एक ही लाइन में दो तीन पॉइंट आ जाएगा, देन इट विल बी, ये पहले ही करा चुका हूं, देन इट विल बी क्या होगा बता सकते हो क्या, इट विल बी ऑब्वियस ही बात है पर पॉलिनोमियल फंक्शन है और क्या है ऑड है सॉरी इवन है, इवन का मतलब क्वाड्रेटिक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा विल बी नाइदर नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, वन वन तो होगा ही नहीं, क्यों आप एक क्वाड्रेटिक का एग्जांपल ले लो ना, ये वन वन लग रहा है क्या आपको, ऑब्वियसली नहीं, क्यों भाई तो दो एक्स के लिए सेम वाई आएगा, ये आ गया ना एक और दो, मतलब यहाँ एक्स वन है यहाँ एक्स टू है दोनों के लिए सेम आपका वाई आ रहा है, तो ये क्या हो गया मेनिमन आ गया, और मेनिमन फंक्शन हो गया तो इंजेक्टिव होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ये हो गया। इसी में आप बी पॉइंट लिख लो ऑफ ऑड डिग्री, ऑफ ऑड डिग्री देन देन इट विल बी, इट विल ऑलवेज बी, इट विल ऑलवेज बी सर्जेक्टिव, इट विल ऑलवेज बी सर्जेक्टिव नो कॉमेंट्स, नो कॉमेंट्स कैन बी गिवन, नो कॉमेंट्स कैन बी गिवन ऑन the injective, वन वन होगा कि नहीं होगा इस पे बोल नहीं सकते अपन, चलो ये फाइनल करो, अरे बच्चे हो गया क्या, नहीं हुआ, बहुत संकट है जीवन में, नहीं डन, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया, अगर आपका डन हो गया है तो बहुत सारे एग्जांपल करवाए जाते हैं, अब एग्जांपल तो बनता है ना, ऑब्वियसली बात है एग्जांपल बनता है, चलो कुछ एग्जांपल कर लो, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होगा, मतलब क्या है वन वन एंड ऑन टू होगा, और बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स निकाला जा सकता है, अगर नहीं है तो नहीं निकाला जा सकता है, ये जो पॉइंट है इसको ध्यान रखें, क्योंकि ये आगे इनवर्स फंक्शन पढ़ना है उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्वेश्चन लिखो, लेट ए इक्वल टू एक्स
माइनस वन से वन के बीच में इक्वल टू बी, तुझे भाई इक्वल टू बी इज अ मैपिंग, इज अ मैपिंग एफ ए रिलेटेड टू बी, ओके फॉर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग functions functions from, आपको एग्जाम्पल खूब सारे कराऊंगा इस पे, from a to b, from a to b find find whether whether it is surjective, it is surjective or injective, surjective or bijective, surjective or bijective में मजा है, or bijective, bijective, one one में मजा नहीं है। अब आपका पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है मॉडुलस ऑफ एक्स, बी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इनटू मॉडुलस ऑफ एक्स, सी सी क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, डी खूब सारे क्वेश्चन कर लो, डी आ जाएगा, डी क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर भी ले लेते हैं, साइन ऑफ पाई एक्स बाई टू, एक्स बाई टू। तो आप अपना कमेंट करें और ये क्वेश्चन आराम से ट्राई करें, पांच क्वेश्चन है, पांच मिनट है, सबका ट्राई करें फिर मैं बताऊंगा।
ऊपर का नहीं दिख रहा है। अच्छा ऊपर का क्यों नहीं दिख रहा है? अब बच्चे चैट बॉक्स बंद करो तो आप नया। अब दिख रहा है? दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है क्या? चलो ठीक है सॉल्व करो। ए, हुआ क्या बच्चे? हो गया? SBSSS अच्छा बाकी बच्चों का क्या है कमेंट करो। संस्कार का आ गया अच्छी बात है। अब सबसे पहले तो ये मुझे बताओ कि ये जो गिवन फंक्शन है इसका कोडोमेन क्या होगा? जो मैंने फंक्शन डिफाइन कर रखा है ऑब्वियस सी बात है बी ही होता है आपका कोडोमेन। और बी के बारे में क्या बोला है? माइनस वन से वन के बीच में जो भी वैल्यू है वो कोडोमेन है। ठीक है तो इसका मतलब क्या है? कोडोमेन जो ये फंक्शन है इसका कोडोमेन माइनस वन से वन आ गया। पहले ये क्लियर होना चाहिए। देखो ऐसे डरावना डेफिनेशन बहुत बार दे देते हैं तो आपको आना चाहिए।
अच्छा अब चलो आगे देखते हैं। पहले मॉड एक्स की बात करते हैं बच्चे। एक्स कहाँ किसके बीच में और डोमेन क्या है? डोमेन है माइनस वन से वन के बीच में। डोमेन क्या है पहले तो आप, ए का डोमेन जो है वो क्या आएगा? माइनस वन से वन के बीच में डोमेन है। और ये क्या है? ये भी आपका क्या है? माइनस वन से वन के बीच में। मेन मुद्दा ये है कि ये दे रखा है, ठीक है, ये डोमेन है, ये क्या हो गया आपका? को डोमेन हो गया। अब अपन बात करते हैं, मॉड एक्स की बात करते हैं। तो मॉड एक्स के बारे में आपको क्या पता है? मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ये आपका अगर वन है, ये होगा माइनस वन, और ये जो वैल्यू आ जाएगी क्या आता है? वाई इक्व टू वन। इसका अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई रेंज क्या है, तो रेंज आप देखो जीरो से लेके कहाँ तक है? वन तक है। माइनस वन से वन के बीच में जो रेंज है वो क्या है? जीरो से लेके वन के बीच में। तो भाई रेंज यहाँ पे क्या होगा? कोडोमेन का सबसेट हो गया ना, सबसेट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फंक्शन इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव तो होने का चांस ही नहीं है। फंक्शन क्या होगा बच्चे? सब्जेक्टिव नहीं है, राइट? और सब्जेक्टिव नहीं है और क्या मेनी वन, ये फंक्शन मेनी वन है क्या? फंक्शन मेनी वन भी है। मेनी वन होगा क्यों? मेनी वन का मैंने क्या बताया था? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन प्लॉट करो, अगर दो जगह कट करता है तो वो मेनी वन फंक्शन है। इसका मतलब ये क्या हो गया? नाइदर सब्जेक्टिव, नॉर इंजेक्टिव, लिख लेना, नाइदर सब्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव। ना ही तो ये वन वन है, ना ही ऑन टू है, कुछ नहीं है। तो बाइजेक्टिव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बी वाले की बात करते हैं। बी वाले की बात करोगे तो सबसे पहले क्या करो? इसका ग्राफ रफली प्लॉट करो। तो इस ग्राफ मैंने बोला था मॉड कहीं गया तो ब्रेक कर लो। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, वैसे ब्रेक कर सकते हो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए, बट एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है? वन तक, तो वन से छोटी होनी चाहिए। दूसरा क्या आएगा? एक्स की वैल्यू जो है लेस देन जीरो, बट क्या होना चाहिए? ये माइनस वन से बड़ी होनी चाहिए। अब एक्स जब है, एक्स की वैल्यू क्या है आपका बच्चे? जीरो से वन के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा? मॉड एक्स पॉजिटिव के साथ खुलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस वन से जीरो के बीच में, माइनस वन से लेके जीरो के बीच में आपका मॉड एक्स क्या आने वाला है? निगेटिव आएगा। तो माइनस एक्स एंड एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका अगर मैं रफली ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, तो आपको पता है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस टाइप का होता है? इस टाइप का होता है। कहां से कहां तक प्लॉट करना है? जीरो से वन के बीच में। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? कुछ वन आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे आता है? ऐसे आता है। और ये कहां से? माइनस वन से जीरो के बीच में, तो नीचे आएगा आपका। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? माइनस वन। ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? ये माइनस वन हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आया, ठीक है। इसका रेंज क्या आया है? तो इसका तो रेंज बहुत सुंदर आया है। रेंज इसका आ गया है आपका, रेंज बिलोंग्स टू माइनस वन से वन। चमत्कार हो गया। रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल है, तो क्या हो गया? ऑन टू हो गया। ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है ना, तो हमेशा बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया? वन वन फंक्शन हो गया, वन वन फंक्शन हो गया, एंड आपका क्या हो गया? अन टू हो गया। अगर वन वन अन टू हो गया तो बाइजेक्टिव तो हो ही जाएगा। वन वन का मतलब इंजेक्टिव हो गया, अन टू का मतलब सब्जेक्टिव हो गया। तो ये जो फंक्शन क्या है? इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, दिस इज वाई इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्या आ जाएगा आपका? बाइजेक्टिव फंक्शन आ जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन आ जाएगा।
अब सी वाले का देखो तो आपको पता है कि इसका ग्राफ सिंपल सा ये होने वाला है, माइनस वन से वन के बीच में, और ये माइनस वन से वन के बीच में जो, ठीक है, और ये यहाँ पे हाइट क्या आएगा, ये भी वन आएगा, ये भी वन आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, पहले तो ये देख के ही लग रहा है मिनिमम फंक्शन है, और रेंज क्या आ गया, जीरो से वन, और इसका कोडोमेन क्या है, माइनस वन से वन, तो अनटू तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। इसके बारे में बात करते हैं अब, बॉक्स एक्स के बारे में। तो बॉक्स एक्स है जो जीरो से लेके वन के बीच में, इसकी तो वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे क्या है आपका, वन पे वैल्यू एक पॉइंट आएगा, ठीक है, वहां पे आएगा, यहाँ पे बड़ा होल आएगा। माइनस वन से जीरो के बीच में इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है। माइनस वन, अब सिंपल सा देख सकते हो, इसका रेंज किसी ने पूछा कि क्या है, तो रेंज में तीन एलिमेंट है, क्या है भाई, वन जीरो एंड माइनस वन। तो ये भी उसका क्या हो गया, सबसेट हो गया ना, वो भी क्या, ये क्या हो गया, उसका सबसेट हो गया, सबसेट हो गया तो क्या हो गया, ये भी ऑन टू तो हो ही नहीं सकता, रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। दूसरा बच्चा कि भाई पूछोगे कि सर ये क्या इंजेक्टिव है, वन वन है, तो मैं बोलूंगा कि वन वन है क्या, लग रहा है क्या आपको, ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज जीरो से लेके और माइनस वन के बीच में हर जगह जो वैल्यू है वो माइनस वन आ रहा है। जीरो से वन के बीच तो इनफाइनाइट एक्स आते हैं, और उस इनफाइनाइट एक्स के लिए वाई की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, वन वन हो ही नहीं सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाइदर सब्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव। अब ध्यान से देखो, साइन पाई बाई टू एक्स की बात करते हैं, तो पाई बाई टू एक्स की बात करते हो तो आप देखो, इसको बहुत लोगों को डाउट होता है सर करना कैसे है, तो आप ऐसे करो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लो साइन ऑफ का टी मान लो, ठीक है, साइन ऑफ का टी मान लो, या आप ऐसे देखो, या मान लो अगर ये नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे करो, एक्स के बारे में हमें क्या पता है, एक्स माइनस वन से वन के बीच लाई करता है, तो आपका जो होगा माइनस पाई बाई टू मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई टू एक्स से पाई बाई टू के बीच लाई करेगा, पाई एक्स बाई टू कहां से कहां लाई करेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। तो ये आपसे पूछ क्या रहे, ये पूछ रहे कि जब साइन एक्स जो है, जब साइन है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, अब इसको मैंने क्या कर दिया, टी बोल दिया, तो आपने पूछा क्या है, पूछा है कि जो एक साइन टी ये कोई फंक्शन है, साइन टी कोई एक फंक्शन है, ठीक है, साइन टी, और ये जो वैल्यू है आपका क्या आएगा, पाई बाई टू, और ये जो वैल्यू है ये क्या आएगा, माइनस पाई बाई टू, तो इसमें भी चमत्कार हो गया भाई, ये क्या है, माइनस वन है, माइनस वन है, और ये क्या है, प्लस वन है, तो ये माइनस वन, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में जो हो रहा है उसका मतलब क्या है, वो माइनस वन से वन के बीच में होगा, बिकॉज हमने टी तो नया वेरिएबल बनाया है ना, इस कंडीशन को मानने के बाद ही टी आपने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है सिंप्लिसिटी के लिए। तो इसमें भी देख रहे हो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में जो वैल्यू है हमेशा बढ़ रही है, बट माइनस वन से लेकर वन तक सारी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जो रेंज है और कोडोमेन है दोनों के दोनों इक्वल है, एंड रेंज एंड कोडोमेन दोनों के दोनों क्या है, ये इक्वल है, अगर इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, और साथ में ये भी देखोगे कि हमेशा ही बढ़ रहा है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में साइन हमेशा इंक्रीज होता है, तो ये क्या हो गया, ये वन वन भी हो गया, तो वन वन एंड ऑन टू है, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा आपका, बाइजेक्टिव हो जाएगा, बाइजेक्टिव, डन।
चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, अभी नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। किसी को कोई डाउट है? डाउट है कोई? लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या है? अच्छा देखो ये दे रखा है ना y इक्वल टू साइन पाई बाई टू एक्स, तो मैंने बोला कि x की वैल्यू जब माइनस वन से वन के बीच में होगा, सॉरी सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो अभी क्या करना है बताना है क्या? चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं उसको। तो आप क्या करो पाई बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो, हमें क्या है ये वाले के बारे में पूछना है, पूछा है ये वाला चाहिए अपने को, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्स एंड पाई बाई टू, ठीक है। अब मैंने इसको क्या बोला ना, इसको बोल दिया टी बोल दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए अगर मैं साइन टी को प्लॉट करता हूं, अगर मैं साइन टी को प्लॉट करता हूं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का टू के बीच में, साइन टी को प्लॉट करता हूं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, तो जो ग्राफ आएगा वो सेम ग्राफ आएगा इस वाले का माइनस वन से वन के बीच में। क्यों भाई? कि अपन ये कंडीशन कैसे निकाल रहे, इस कंडीशन को मानने के बाद निकाल रहे ना, इसी को आपने प्रोसीड किया तो यह आया, इसी वजह से साइन टी का ग्राफ क्या आ जाएगा, कुछ साइन का ग्राफ ऐसे आता है, और ये जो पॉइंट आता है पाई बाई टू आता है, और ये जो पॉइंट आता है माइनस पाई बाई टू आता है, ये वैल्यू आएगा माइनस वन, ये वैल्यू आएगा प्लस वन, तो देखो ये पूरा का पूरा इंक्रीजिंग आ रहा है ना, तो माइनस वन से वन के बीच में इसका रेंज क्या आ जाएगा, रेंज माइनस वन से वन के बीच में आ गया, और ऊपर से क्या है ये हमेशा ही बढ़ रहा है, देख रहे हो ये बढ़ रहा है ना, तो हमेशा ही इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो क्या है बच्चे, एक वैल्यू दो बार तो आएगी नहीं, इसका मतलब क्या है रेंज माइनस वन से वन है और कोडोमेन माइनस वन से वन है, तो ये क्या हो गया आपका कॉन्टू फंक्शन हो गया, मतलब क्या हो गया ये सर्जेक्टिव फंक्शन हो गया, वन वन होगा क्योंकि ये क्लियर दिख रहा है ये इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो ये क्या हो जाएगा आपका वन वन भी हो गया, तो वन वन हो गया एंड कॉन्टू हो गया, दैट्स व्हाई इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ठीक है बच्चे, चलो बढ़िया है, आज के लिए यहीं तक रहने दो, इंटरनेट प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो बोल दो। यस नो कुछ तो कमेंट करो, पूरा आपको आज मैपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आराम से कर सकते हो आप।